अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ज़ोया वानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। खैरियत से हैं भाई। स्वागत हो गया आप सब लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल पे, जिस चैनल का नाम है ज़ोया वानी रिएक्शन। तो भाई बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार हिम्मत है तो ये करके दिखाओ भाई, हमारी वीडियोज़ के ऊपर नहीं लेकर आ रहे। तो हमारे बहुत सारे हिंदू भाई थे तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, कह रहे यार आपकी बहुत सारी वीडियोज़ आ रही लेकिन यार आप योगी आदित्यनाथ जो है इनकी ठग लाइफ में नहीं लेकर आ रहे। तो भाई ऐसी बात नहीं है, आप लोग हमारा प्यार है, आप जो कहेंगे इनशाला हम उस पर वीडियो बनाने को तैयार हैं। ठीक है, तो पहले स्टूडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी यार, बहुत बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इनकी ठग लाइफ के ऊपर रिएक्ट करें। तो भाई कर लेते हैं इंशाल्लाह, बाकी आप लोगों को भी देख लेते हैं और हम भी इंशाल्लाह इनके साथ वीडियो एंजॉय करते हैं। 3, 2, 1 पिल्ले। आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे भाई, आश्चर्य होता मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। सर जो बात हो रही थी संविधान का दिवस मनाने के लिए, गणतंत्र दिवस में, लेकिन संविधान पे ही अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के बिल्स पे सवाल, पार्लियामेंट में कोई कानून नया आता है उस पे सवाल, संविधान पे सवाल, संविधान के टुकड़े करेंगे, ऐसे बयान अभी अलीगढ़ में भी आए, यूपी में भी कुछ सेक्शन हैं जहां से सवाल उठते हैं, तो इनको आप कैसे देखते हैं और इसको डील करने का क्या तरीका है? देखिए, संविधान पर प्रश्न और इन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न वही उठा रहे हैं जिन लोगों ने देश का विभाजन किया था। आते सुधरती नहीं है बहुत जल्दी, उनको सुधारना पड़ता है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं, और जाहिर है वहां आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? शहनवाज हुसैन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। अब डॉक्टर एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहां पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। यकीनन अगर भारत, आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से, राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं सुन लीजिए, हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है, और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे भाई, आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। योगी जी, मैं जावेद हूँ एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि आपने गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है, आप अलीनगर का नाम आर्य नगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहां जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने के बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे, सबका नाम बदलेंगे। योगी जी, आप 5 टर्म सांसद पर आप मंत्री नहीं बने, 3 कैबिनेट विस्तार हो गए, आप परिवर्तन रैली के जो पोस्टर हैं उसमें आपका तस्वीर नहीं, इलेक्शन कमेटी बनी दिसंबर में आपको उसमें नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं।
कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। आपको लगता है कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ आप उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर देंगे? हम लोग इसीलिए आए हैं, आपको क्या लगता है? हम लोगों के आने के बाद भी अगर राम राज्य नहीं आएगा तो फिर तो मुझे लगता है कि हम लोगों की सब मेहनत बेकार है, व्यर्थ है। उसी दिशा में प्रयास हो रहा है। राम राज्य तब आ सकता है जब सुरक्षा व्यवस्था सबके लिए हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। आपके हिसाब से राम राज्य की परिभाषा क्या? और रावण और मेघनाथ भी मारे जाएं। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्माननीय पीठ है। इसका आप इतिहास देख लीजिए। दिग्विजय नाथ जी उदयपुर से रहे, राजपूत रहे, 1921 में कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो हिंदू महासभा में आ गए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया, 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरु जी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से। उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी, उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। स्टेटमेंट में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है, आप भी उसी तरह की बात करते हैं तो इसी आपत्ति। It was at this moment that he knew he fucked up. नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पर तो आपको खुश होना चाहिए। योगी जी, दो सवाल है। एक तो बीजेपी ने बहुत सारे अपराधियों को भी टिकट दिया है जबकि आप आदर्श राजनीति की बात करते हैं, और दूसरी बात, एक सोशल मीडिया पे एक लड़की की फोटो वायरल हुई है जिसमें वो लड़की एक पोस्टर दिखा के कह रही है कि मेरे पिता को पाकिस्तानियों ने नहीं, वॉर ने मारा, इस पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी घोषित अपराधी को टिकट नहीं दिया है या घोषित माफिया को टिकट नहीं दिया है। राजनीतिक मुकदमे अलग विषय है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत अगर किसी ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए होंगे उस आधार पर अगर किसी कार्यकर्ता पर मुकदमे हैं तो अपराधी नहीं है। लेकिन पेशेवर अपराधी और पेशेवर माफिया को भारतीय जनता पार्टी ने दूर तक भी नहीं छुआ है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। एक ऐसे लोगों ने आवेदन भले किया होगा लेकिन एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय चुनाव समिति ने उसको खारिज किया। खत्म ना चाहता हूं कि आपके दिल मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं। जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया, आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास कोई विकल्प नहीं, परेशान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। अकेले सांसद हूं जो 2-3-4 घंटे पब्लिक के लिए खुले उसमें बैठता हूं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई भी आए अपनी बात कहें और फिर अगर बातचीत से मानेंगे ठीक, नहीं तो आंदोलन का रास्ता वहां तय होता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना गोरखपुर में जाकर के। एक बार इसको ये बोलेंगे हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या मुसलमान, क्या बात कर रहे हो, जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है, उसमें जाति मत और पंथ कहां की बात आती है? जब उस अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, बदलना चाहते हैं, सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं सर, वो कोई भी हो मैं उसका विरोधी हूं। जी तो व्यूअर्स, बड़े मजे की वीडियो थी, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब वीडियो बोलने से पहले, तो भाई मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई सब बातें एक तरफ, सब की सब बातें एक तरफ और असदुद्दीन भाई एक तरफ। बारे में कहा था बहुत सारे कुत्ते नए नए कुत्ते भी आ गए, नए ब्रीड के भी भोंक रहे हैं, काट रहे हैं, शहर में लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये डॉग बाइट्स को भी कम करेंगे, कम करने के लिए जो भी जरूरी इकदाम है वो करेंगे। भाई मियां भाई का कोई मुकाबला नहीं है, भाई मियां भाई को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे कोई भी आ जाए, मतलब हिस्ट्री में कोई भी आ जाए ना, तो भाई मियां भाई को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। आ, 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 आ,
क्योंकि असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन साहब जैसी सोच रखने वाला, जैसी मेंटेलिटी रखने वाला ना, शायद दोबारा पैदा नहीं होगा, क्योंकि जवाब देने वाला, जैसा संभालने वाला, जैसा बताने वाला, लोगों को आगे लीड करने वाला, लोगों को चाहने वाला। मैं ये वीडियो देख तो रहा था, लेकिन यकीन करे भाई, मन से नहीं देखी जा रही थी वीडियो। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए। क्यों? इसकी वजह ये है, देखिए, लीडर का मतलब होता है सबको लीड करके लेके जाना, और बॉस का मतलब यह होता है कि अपनी एक जमात को आगे लेके जाना। देखिए, जैसे हिंदुत्व की बात की जा रही है, लेकिन मुसलमानों की बात क्या, तमाम हिंदुस्तान की बात नहीं की जा रही, बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की। जैसे उर्दू बाज़ार का नाम रखा है हिंदी बाज़ार, ठीक है, अलीगढ़ का नाम रखा है आर्यागढ़। तो भाई, इससे कुछ नहीं होता, दिलों से मोहब्बत नहीं छीनी जाती है, सिर्फ नफ़रतें लाई जाती हैं, ठीक है। मतलब मैंने अब बहुत सारे मुझे इसमें आ रहे थे कि यार आप इसकी वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया जाए, आपकी हिम्मत है, मतलब बहुत सारे लोग ये करते हैं, हिम्मत है तो ठग लाइफ लेकर आओ, हिम्मत हो तो ठग लाइफ लेकर आओ। सर, मैं सब व्यूवर्स को एक बात कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत सब में है तो भाई असदुद्दीन साहब को हटा के दिखा दो। नहीं तो क्योंकि उस तरह की बातें, उस तरह की सोच मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है भाई। मैं सीरियसली कहना चाहता हूँ कि मैं अगर किसी का, अपनी ज़िंदगी में किसी का अगर फ़ैन हूँ ना, तो भाई असदुद्दीन सर का फ़ैन हूँ, क्योंकि उन जैसी बातें मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई है कि ये हर जगह का नाम क्यों चेंज कर रहे हैं, हर सिटी का नाम चेंज कर रहे हैं। देखिए, यही दुख है ना सबसे बड़ी। देखिए, मेन अगर आप ताजमहल का नाम चेंज करना चाहे, कहते हैं वो भी करूँगा, वो भी कर दूंगा। वो बात है ना, मुझे फिर वो उनकी बात याद आती है कि जब मैं जाता हूँ तो दीवारें बोल रही हैं, ठीक है। इमरान प्रताप गरी साहब क्या कहते हैं कि हर कुछ चेंज करना चाहते हैं, कि हमारे वो लाल किला हूँ, वो बहुत प्यारी एक नज़म थी कि मैं लाल किला हूँ, कि मतलब मुझे मेरे बनाने वाले से नफरत है, लेकिन मुझसे प्यार भी बहुत है। ये वही सीन चल रहा है। इस तरह तो यार सच्ची में नहीं चलता भाई। फिर इसी बात पे याद आता है कि अकबर भाई वाकई शेर है यार, मैं तेरा अकबर बोल रहा हूँ। तो व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाजत, स्टे विद अस।